इसने पूछते हैं कि अटारनी तरमीम का मतलब और एनएससी का मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा अबू जरदारी के फेक अकाउंट्स में जाएगा और जिसका सहूलतकार खुद वजीर आला मुराद अली शाह है, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी जेआईटी रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। फिर अजीज मेमन की जेआईटी उठा ले, पुलिस को इस्तेमाल करते हैं लोगों को मारने के लिए, मरवाने के लिए। सर्दी में गर्मा गर्मी विफाक और सिंध आमने सामने, आसिफ जरदारी पर करप्शन और मुराद अली शाह पर सहूलतकारी का इल्जाम, सिंध पुलिस में क्रिमिनल्स भर्ती किए गए, हुकूमत का असल चेहरा दिखाने पर कत्ल कर दिया जाता है, मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्दियाती निजाम पर भी तनकीद। सूर्य और डाची की जिसकी लत पड़ी हो ना, इनको लत पड़ी है, तो यहां पे भी वो लत नजर आ रही है। यहां पे उन्होंने किया कि कोई भी मुंतखिब हो सकते हैं, मतलब ये कि अगर आप क्यों कुर्सन ना भी लड़ो और आप ऊपर से पैराशूटर आ जाओ तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो। अवाम का मुंतखिब करना बंदा नहीं होगा, उनके पास कोई 140A आर्टिकल माली इंतजामी और सियासी इख्तियार वो नहीं होंगे। ये जो 200 अरब डॉलर वाला वजीर है जिसने कहा था कि इमरान खान आएगा 200 अरब डॉलर लाएगा, 100 अरब डॉलर इसके मुंह पे लगाएगा, 100 अरब डॉलर इसके मुंह पे लगाएगा, तो भाई ये 200 अरब डॉलर किस खजाने में पड़े तो बताओ, इमरान खान की कौन सी तिजोरी में पड़े हैं? इमरान खान तो आ गया, ये 200 अरब डॉलर का छिपाए हुए जिस दिन चाहे इनके पता नहीं कितने एमएलए में कितने एमपीए तो अपने 200 अरब डॉलर वजीर नाअहल और झूठा सईद गनी का रद्द अमल, मुराद सईद सिंध की फिक्र छोड़ दें, पीटीआई के अरकाने कौमी और सूबाई असेंबली पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए तैयार बैठे हैं, वजीर तला सिंध का बड़ा दावा, मुतहदा पर भी संगीन इल्जाम। जो मकारियां हैं, जो अयारियां हैं, जो झूठ है उसको बेनकाब कर रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं एमक्यूएम की तो दुकान से चलती है ना, खुरेजी शहर है, अल्लाह का शुक्र है लोगों की जाने बची हुई हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो चाहते हैं कि हालात फिर खराब हो, नफरतें हो, लिसानियत का अजाब इस शहर पे फिर आए, हम इंशाल्लाह ताला होने देंगे। पीटीआई वफ़ की मुतहदा रहनुमाओं से मुलाकात, ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत, पानी सर से ऊपर जा चुका, पीपल्स पार्टी जाली अक्सरियत की बुनियाद पर बिल मंजूर कराती है, आमिर खान और खुर्रम शेरजमान की गुफ्तगू, असेंबली के घेराव की भी धमकी। आगा सराज दौरानी इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेशी, 2 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर, पीर को कराची की अदालत में पेश करने का फैसला, शहर कायद में क्यों गिरफ्तार नहीं हुए, सहाफी का सवाल, बस जहाज में आने जाने का शौक है, स्पीकर सिंध असेंबली का जवाब। इन्होंने बिल फाड़ दिए थे, इन्होंने बता दिया था हम बिल फाड़ेंगे, जिम्मेदारी उठाते हैं, अब खुदा का खौफ करो, एक दिन आप अपने बच्चे को भूखा रख के देखो, देखें आप कितना सबर करते हैं, आप में कितना सबर है। ये तब्दीली है, हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए, ना नया पाकिस्तान हमें चाहिए, हमें हमारा पुराना पाकिस्तान ही वापस कर दो। पट्टी ले लेके भाई बहने लिखे कि 12,000 रुपए गर्म करके दे दो, ये हुकूमत है, ये क्यों हुकूमत है, डाकू है, बदमाश है। गैस नायाब, जिंदगी अजाब, चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढने की असियत, बल्दिया लियाकत कॉलोनी वाले फट पड़े, पुराना पाकिस्तान लौटाने का मुतालबा कर दिया। गैर कानूनी सिम्स का चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल का इंकशाफ, एफआईए का एक्शन, फरोख में मुलविस कई फ्रेंचाइज सील, वफाकी मुलाजमीन के भी मुलविस होने का इंकशाफ। बलोचपाड़ा, जहांगीर रोड और जमशेद क्वार्टर्स में छापे, नासरबाजी में मुलविस 3 मुलजमान गिरफ्तार, सरकारी यूनिफॉर्म, जाली कार्ड, छीनी गई मोटरसाइकिलें और पिस्तौल भी बरामद। एंटी इंक्रोचमेंट और कच्ची आबादी के डेप्यूटी डायरेक्टर की मुबैना रिश्वत तलबी और हरासमेंट का नोटिस, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। कराची से तजावजात खत्म करने का मिशन, जिला बस्ती और नॉर्थ कराची में बड़ा ऑपरेशन, घरों और दुकानों के आगे कायम तामीरात का सफाया, पथारे और ठेले भी जब्त। सानिया सियालकोट की तहकीकात, 110 से जायद मुलजमान गिरफ्तार, 900 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज, वीडियोज की मदद से शनाख्त का काम जारी।
ثانی سیالکوٹ پر اہل سنت طلباء اکرام کا اظہار مذمت، تحقیقات کا نتیجہ آنے تک کسی کو ذمہ دار قرار نہ دیا جائے، مفتی منیب کا مطالبہ، مقتول کو پولیس کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا، جماعت اہل سنت پاکستان کا بیان، جمعے کو ملک بھر میں یوم تقریب و اعتراض قانون منانے کا اعلان، نظام المدارس پاکستان کا جنونیت کے خلاف فیصلہ، اقدام پر پرزور۔ روز سال کا آخری سورج گرہن دوپہر 1:12 سے شام 6:17 رنگ آف فائر، پاکستانی شہری نظارے سے محروم۔ سندھ کا ثقافت دن قدیم تہذیب، محبت اور امن کا درس دیتی ہے، کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری غفران مشتبہ کی مبارکباد۔ گلوکارہ شازیہ منظور طویل عرصے بعد منظر عام پر، نئے ٹک ٹاک ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔ اور ہالی ووڈ مووی دی ٹریجڈی آف میک بیتھ کا نیا ٹریلر جاری، فلم 25 دسمبر کو پیش کی جا رہی ہے۔